जरा हैसन की बात करे जो और जब हम हास्य की बात कर दो तो हमारा समय का हमारा लोक का एक ना हास्य कलाकार जो बहुत अद्भुत ढंग से हास्य पैदा कर दन जो कह भी मन की थे बिना कुद कर दिया हंसे सकदन इन कलाकार था मैं आपका बीच बुलाना चाह हास्य कलाकार घनानंद गगोड़िया भाई घनानंद स्टेज का पारंगत कलाकार होना दगड़ दगड़ है अपना प्रदेश का राजनीति के अभिचान संस्कृति का क्षेत्र में आपका संस्कृति को दायित्व है और मैं आपके मंच सौंपना चाह आपके हास्य प्रस्तुति का वास्ता हास्य कलाकार घनानंद गगोड़िया भाई साहब भाई साहब जो छा गणेश कुकसाल गणेश जी छन बहुत बड़ा साहित्यकार कवि छन और बहुत अच्छा उद्घोषक छन बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट कर देना भाई साहब के लिए एक बार ताली बजा जाए और अपनी गढ़ वाली संस्कृति का उजर भाई साहब एक पिछली बार ये क्षेत्र में सफाई अभियान चली बहुत तगड़ एक भी यार सुन ले बहन तब एक भी हाँ ये भी पकड़ लो ये भी पकड़ सब पकड़ा सब एक ठीक है एक भी बीमारी नहीं हुई कहते हैं और पूरा इलाका में इना डेंगू हुए पर इना नहीं हुए इना ही लेने गए कि लोगों ने बड़ी सफाई रखी गांव वाला सफाई क्षेत्र पंचायत सफाई वाला प्रधान सफाई वाला ब्लॉक प्रमुख सफाई वाला ग्राम सेवक जी सफाई वाला इतना सफाई कि केवल अब ये सफाई में क्या हुए कि उन्होंने एक मीटिंग रखी मंच बनावा बड़ा भारी वे वहां सब लोग बैठे वे मंच के अध्यक्ष करना वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी 102 साल के अध्यक्ष बने तब तक भैर देश बैठे लेकिन यूपी बैठे एक ट्रक है गया वे ट्रक में भुजी अब क्या पता चलो जो वे ट्रक में मच्छरी मच्छर था भुजी दगड़ी मच्छर आम भैर से एक सफाई अब वो चलना भाषण में जी देखो हमारे खंचर पट्टी देखो यहाँ के प्रधान क्षेत्र पंचायत और विधायक जी के द्वारा यहाँ बहुत बढ़िया काम है तब तक वो ट्रक से भुजी उतर रही उसके साथ मच्छर आ गए कुछ मच्छर दे गए डंग अब दूसरे ने बोला देखो बहुत बड़ी बात है कि माता बहनों की जागरूकता के वजह से एक भी मच्छर नहीं है बीमारी बहुत नहीं पनप रही है यहाँ तब तक सबने भाषण दिया वे मंच माँ आखिरी माँ अध्यक्ष जी थे बोली गए अरे अध्यक्ष जी आप भाषण दो अध्यक्ष थे ये नाम एक साल 102 साल 20 मिनट की हुई है अब जैसे उन्होंने कहा देखो माता बहनो बड़े खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में बीमारी नहीं है अब ट्रक से दुनिया भर की सब्जी और मच्छर भगना हमें बड़े खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर खंचरपट्टी में एक भी मच्छर नहीं है तब तक एक मच्छर उनका चौड़ा पैजामा भीतर घुसना अब एक ना बिड़े एक ना गुंगो गुंगो मच्छर हमारे यहाँ क्षेत्र के जो है इपड़ी माँ का मच्छर भीतर पता नहीं क्या हो रहा है हम घबराहट हो रहा है क्या हो रहा है अब कुछ मच्छर इना अब कुछ
अब भूल गए भूल गए कि सब्जेक्ट क्या सफाई के सब्जेक्ट भूल गए मुझे लग रहा है कि कुछ उग्रवादी आ गए हैं यहाँ बाहर से वो मच्छर उड़े कुछ उग्रवादी ईपड़ी में आकर मेरे जोड़े पैजामे के अंदर से किए मुझे लग रहा है कि घबराहट हो रही है कुछ मच्छर जो है ईपड़ी में खून चूस रहे हैं लेकिन मैं उनको मार दूंगा अब फिर भी मच्छर ही मच्छर डेंगू का की बात है एक पीढ़ी मार का दो तीन मच्छर मैं मच्छरों को अंदर नहीं आने दूंगा यहीं पे पकड़ दूंगा अब कुछ मच्छर जो जो घुस गए नहीं अब बड़ी मुश्किल हो गया माता बहनों बड़े दुख की बात है कि कुछ उग्रवादी खुफिया रास्ते से घुस गए हैं मैं समझ गया हूं कि ना वो संसद को उड़ाना चाह रहे हैं पर मैं संसद नहीं उड़ने दूंगा चाहे मुझको अपने पैजामा खोलना पड़े जाना आदमी हमेशा लेकिन आप लोग से निवेदन कि आप लोग गंगा हमारे उत्तराखंड की पवित्र गंगा चे जो कि भारत देश से अन्न है माँ गंगा की सफाई रखा और सफाई ग्रहण है संसद लोग लेकिन अभी कुंभ मेला हुए तो कुंभ मेला में क्या हुए कि द्वे गढ़वाली लड़का शिडगुल में नौकरी करने चल गए हरिद्वार उनसे नौकरी नहीं मिली लेकिन क्या दौरान पर किले की वे टाइम पर कुंभ होना चाहिए एक और नौ चो मोहन और एक और नौ चो सोहन अब द्वे चल गए शिडगुल में नौकरी कर बल साहब नौकरी है बल कहते हो भाई साहब हम हैं क्या बोले आपसे मैल चौरी से आगे बैंड पड़ता है बैंड से नीचे ढोल दमों वाले रहते हैं उधर ही रहते हैं अच्छा 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 कहा माई थान की तरफ रहते हो बहुत बढ़िया माई थान के लोग अच्छे पर क्या नौकरी नहीं आज अब नौकरी कहीं नहीं मिली उनको ढूंढा उत्तराखंड में नौकरी नहीं मिली अब मोहन सोहन उसने कहा भाई नौकरी तो नहीं है घर चलते हैं अपने तो घर चलते हैं तो उन्होंने देखा ऐसा करते हैं गंगा जी नहा के घर चलते हैं कुंभ मेला अब देखा तो एक जगह बोर्ड लगा हुआ कि जो जो व्यक्ति डूबने वाले को बचाएगा उसको उत्तराखंड सरकार 50,000 रुपए की इनाम देगी अबे सोहन पर हाँ बोर्ड पर हाँ 50,000 रुपए इनाम मिलेगा तेरे को आता है तैरना मैं नहीं मुझको आता है तू ऐसा कर तेरे को नहीं आता बनना तो तू फाल मार गंगे जी में और तुम मरने को तैयार होगा मैं फट से फाल मारूंगा अब तेरे को बचा दूंगा और सरकार देगी 50,000 25 तेरे 25 मेरे उसने कहा पक्की बात है हाँ तू मुझको बचाएगा हाँ अब उसने कहा ठीक है जय गंगा मैया जय गंगा मैया बचा दे और वो बचाने वाले ऐसे उसको देख रहे और वो पानी में भूखे में क्यों और वो एक बुरी हालत हो गया अंदर ही अंदर नाच रहा है वो तैर रहा हूँ अपने आप बच रहे अब साहब बड़ी मुश्किल से डूबने वाले को बल तिनके का सहारा वे हाथ पैर मारे अब गंगा जी का किनारा समुद्र चले समुद्र सट समुद्र उल्लू को बता तेरे मुझको क्यों नहीं बचा क्यों नहीं मारे तूने भाग बल माँ की कसम अबे सो अबे रमेश माँ की कसम मैं फाल मार रहा था
लेकिन मेरी नजर दूसरे बोर्ड पे पड़ गई है। दूसरे बोर्ड पे पड़ गई साले, क्यों पंचायत की में मेरे घर के से जाना था, मेरी तो एक ही जननी है। अबे ओए माँ की कसम, मैं फाल जैसी मर रहा था, मेरा ही नजर पड़ गई दूसरे बोर्ड पे। पर क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था लाश निकालने वाले को नकद 1,00,000 रुपए। अब साहब, अब चले गए भाई साहब हमारे अध्यक्ष जी, भाई जी गंगा जी होना, उनको तो पता है ना कि गंगा जी में क्या होना चाहिए, साफ सफाई। व्यापार मंडल जानता है इस बात कि गंगा में साबुन से नहीं धोना है, अल्लम में कपड़े पहन के जाना है, ऐसे नहीं कि चड्डी पहनी हुई है जी बन के। अब क्या हुआ, एक आदमी ने कहा दो बोल दो, हर की पेड़ी में हर आदमी नहीं चाह, चलो मैं हर की पेड़ी। अब हर की पेड़ी में लाइन लगी, अब लाइन लगे इनके लिए उत्तराखंड की पुलिस, सबसे ईमानदार, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी उत्तराखंड की पुलिस लाइन में लगी है। चलो अब देखा वहां पर लगा, अपने सामान की रक्षा करें, खबरदार अपने कपड़ों को ढंग से रखिए। और उन्होंने कहा भीड़ है, उन्होंने सामने कह पैजामा कुर्ता कच्छे में खड़े। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। जैसी हर की पैड़ी का नंबर, अब जैसे उन्होंने थाल मारी, हर आदमी चाहते गंगे में नहाना, ठना ठाल। अब पुलिस वाले बहुत हो गया, अभी तो मैं नहाया था, मेरे घुंडा पीजा, अरे चल अगले कुंभ में नहाना, चल पानी लगा, हमें तो व्यवस्था देखनी है। फिर ऐसे दूसरे को भी ऐसा, क्योंकि व्यवस्था बनानी भारत देश का, पूरे विश्व का लोग हरदार। अब साहब किसी तरह से व्यवस्था थी, एक पुलिस जी के पास, द्रव जी जाएं, जाएं। क्या है बरसात वहां पर जो है गायत्री कुंड में, एक आदमी एक घंटे से नहा रहा है, लेकिन 1.5 घंटा हो गया, आप यहाँ जैसा भी नहीं नहाने दे रहे हो, वो तो तुमने भगाया क्यों नहीं, भर कहां से भगाते हम उसको, वो तो मानी नहीं रहा कहना, जाओ चार पांच पुलिस वाले उसको बाहर निकालो। अब वो जो जो वो नारा बोलो बाहर निकल, और भी नहाएंगे, चल बाहर निकल। अब बाहर के लिए नहीं निकली, वो कुछ और अंग्रेजी का चपेरी प्लास्टिक का, अब जब नहीं सुना तो वे लोग ढक रहे, चल उसका जो कच्चा था वो पानी में फोक गया। अब बाहर कहने के निकल गए, अब बाहर निकल दो तो भाई साहब शरण लाज नहीं रहे, पानी पानी पुलिस वाले का भाई निकल रहा है, मैं नहीं निकल रहा। अच्छा बेटा तू उत्तराखंड की पुलिस को नहीं पहचानता बेटा, हम गढ़वाली को मामी है, बहुत खतरनाक, बाहर निकल। उसने कहा नहीं निकल रहा, जाओ दो तीन जवान जाओ इसको पकड़ा गया। अब जैसी पुलिस वालों ने गंगा जी में फाल मारी, और वो जो था वो नहाने वाला और अब उसको पकड़ क्या, रुको रुको नहीं निकलना, चल। और जैसे उसको पकड़ रहे थे, जैसे उसको पकड़ा उसको गड़ चल बाहर चल, पर नहीं आ रहा हूँ, चल बाहर चल, नहीं आ रहा हूँ, चलो क्यों नहीं आ रहा, पर मैं बाहर आऊंगा तो गजब हो जाएगा, क्या कर रहा, चल। अब पानी इनका, अब फिर बाहर निकाला, अब पानी इनका, अब फिर बाहर, फिर पानी इनका। भाई साहब जैसे पुलिस वालों ने धक्का मारा और पूर्व नंगी पब्लिक क्यों आओ, उन्होंने कहा नागा बाबा, नागा बाबा हमको आशीर्वाद दे दो, मैं सारे उल्लू के पठो किसका आशीर्वाद, पहले तुम मुझे कच्चा तो दो। तो भाई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये सुनो, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।